सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो सभी ठीक होंगे। आप लोगों का मोस्ट वेलकम मम्मी के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मालती जी का ब्लॉग्स एंड किचन। एंड आज हमारा फेस्टिवल है और ये दोनों मेरी मामियां उतर रही है नीचे। नेकलेस तो दिख नहीं रहा मम्मी, उसको ऊपर करो, हार को ऊपर करते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। यही कल्याण कर दो। ये दोनों नहीं जा रहे। इन दोनों को रोना आ रहा है, कितना चिल्ला रहा है। आता नहीं है गाना गाना? गीत गाओ भाई। ये क्या जादू टोना? अम्मी ये क्या जादू टोना कर रखा है? इसे कुत्ते लैटरिंग नहीं करेंगे यहाँ पर। सो गाइज, आज हमारा फेस्टिवल है तीज और हमारे घर की सारी औरतों ने फास्ट रखा हुआ है और हम सभी जा रहे हैं अभयपुर पानी टैंकी, जो कि मैंने पिछले साल भी आपको वीडियो में दिखाया था, तो आप पिछले साल की वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हो। एंड ऐसे लग रहा है कि हमारा एक साल हो गया है ब्लॉग बनाते बनाते, तो हम अपने गाड़ी में बैठ गए हैं ऑटो में एंड देन अब हम जा रहे हैं सीधा। सो गाइज, ये हमारी बबिया हमारी गाना गा रही थी। वैसे तो गांव में अगर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो सारे औरतें ना रास्ते में गीत गाते हुए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी गीत नहीं गा रहा है। एंड उसी के साथ में ये वाला जो तीज आता है वो हम लोगों के लिए होता है, एक हरियाली तीज भी होता है जो कि लोकल लोग मनाते हैं। तो अभी कुछ ही देर में हम पानी टैंकी पहुँचने वाले हैं एंड आज मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर लग रही है, ठीक है मालती जी। तो थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। देन ये लो गाइज, हम उतर चुके हैं एंड एक एक करके हमारे घर की सारी फैमिली औरतें नीचे। ये है मेरी दीदी, ये है मेरी मामी, ये लो गाइज, हम मंदिर आ चुके हैं एंड हर साल की तरह हमारे आते ही देखने को मिलता है कि बहुत सारी औरतें आ चुकी हैं, ठीक है हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर साल की तरह दो पंडित बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इस तीज के त्यौहार का मतलब यही होता है कि पहले कथा पूजा सुनो, उसके बाद आरती करो, पूजा वगैरह करो, तभी ये संपूर्ण होता है, ठीक है। तो जो पहले औरतें आती हैं उनके लिए ऑलरेडी एक पंडित बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो उनको कथा वगैरह सुना रहे हैं। देन हम लोग आए, हमारे साथ और भी बहुत सारी औरतें लेट हो गई थी तो वो आई एंड उनके लिए यहाँ पर नीचे की साइड में पार्क में एक पंडित बैठे हुए हैं, तो ये इनको सुना रहे हैं, ठीक है कथा। एंड उसी के साथ मैं निहाली कुछ सामान भूल गया था, तो वो जा रहा है उस साइड से देने के लिए मम्मी को। और ये छोटा सा मंदिर अंदर है एंड यहाँ पर हम खड़े हैं और ये मेरी कज़न सिस्टर है यहाँ पर और ये पंडित लोग बैठे हुए हैं। कुछ औरतें यहाँ पर भी बैठ के कथा वगैरह सुन रही है, तो मैं आपको वो भी सुनाऊँगी। और उसी के साथ में कुदरत यहाँ पर बोर हो रही है, बेचारी को पता नहीं लग रहा कहाँ पर आई हुई है। कैलाश पर्वत पर इस सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूजा की है। महेश्वर मुझसे आप वह गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए। एंड उसी के साथ गाइज, आज औरतें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, सारे ही सुंदर सुंदर बनी हुई हैं। एंड यहाँ पर मेरी मम्मी भाभी को सिंदूर लगा रहे हैं, ठीक है। जब पूजा स्टार्ट होता है उसके मिड पे आते ही ना सारी औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी भाभी को लगा रही है एंड कुछ देर के बाद में फिर भाभी मम्मी को लगाएंगी। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है।
गाइस देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारी औरतें जो लेट आई हुई थी वो इन पंडित जी के पास बैठ के कथा सुन रही हैं। एंड कथा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं भी कुछ देर तक खड़ी होकर सुन रही थी। ठीक है, नॉर्मली इस कथा में जो पार्वती माता है वो शिव जी के लिए जो फास्ट रखा हुआ था उस चीज़ को इसमें बता रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो औरतें न्यूली मैरिड हैं वो पूरे ज्वेलरी के साथ में आए हुए हैं, मतलब जो शादी का जोड़ा होता है ना उस ड्रेस में। पिछली बार हमारी भाभी भी पूरे जोड़े में आई हुई थी, ठीक है, लहंगा, और ये मेरी एक मामी बेचारी अब जाके इनका नंबर लगा है। और कुदड़ू, ये मेरी कुदड़ू है, इसको थोड़ी सी ना गर्मी लग रही है। एंड ये बच्चे हैं इनके साथ में, हम यहाँ पर टकाटक खा रहे हैं, पंजाबी तड़का, पंजाबी तड़का खा रहे हैं के साथ में। गाइज यहाँ पे बच्चे खड़े थे तो मैंने सोचा चलो इनकी फोटो सेशन कर लेते हैं, तो इनकी फोटो खींच रही है। दोनों मेरे कजन भाई बहन है। एंड जो फर्स्ट नंबर वाले पंडित जी थे, उनका पूजा कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण बोलते हैं, तो अभी इनकी आरती हो रही है। ठीक है, और फिर सारे ही पंडित जी की उनको चढ़ावा चढ़ा के नेग वगैरह देकर उनका आशीर्वाद लेकर फिर वो घर चले जाएंगे। सेम ऐसे ही हमारा भी जब पूजा खत्म होएगा, पाठ खत्म होएगा, तो हमारे जो ग्रुप में जो औरतें बैठी हैं वो भी ऐसी करेंगी। एंड गाइज यहाँ पर बहुत ही लोग, मतलब बहुत ही औरतें आई हुई हैं। इन सभी औरतों ने निर्जला व्रत रखा हुआ है। जो हमारा तीज का त्यौहार होता है ये निर्जला होता है, ठीक है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना। जैसे हम करवा चौथ का नॉर्मली व्रत रखते हैं ना, आप लोगों को पता ही होएगा सरगी वगैरह सुबह के टाइम पे खाया जाता है, तो हमारे इस तीज के त्यौहार में भी सुबह के टाइम पे सरगी खाया जाता है, सरगी लिया जाता है, ठीक है, एंड मायके से भी चीज़ें जाती हैं। तो उसी के साथ में मेरी भाभी जो फर्स्ट वाले टीम में बैठे हुए थे पंडित वाले में, जो कि इन सब का पूजा कंप्लीट हो चुका है, ये अपना जाने की तैयारी में है। जय सो गाइज, हमारा भी यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर पंडित जी ने शंख भी बजाया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुनना। तो सभी औरतों ने नेक दान वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इनको चढ़ाना होता है, चढ़ाने की चीज़ें भी लेकर आते हैं। जो सुहागन ने फास्ट रखी होती है ना, वो सुहागन जो अपनी चीज़ें 16 श्रृंगार चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ लेकर आते हैं अपने साथ में। सभी के आप पास में देख सकते हो कुछ कुछ बैग वगैरह होंगे, तो ये सारी चीज़ें पंडित जी को दान में दिया जाता है, ठीक है। एंड उसी के साथ में अब बारी है आरती की, और यहाँ पे पूरी जो पीछे खड़े हैं ना, ये पूरी हमारी टीम है, मेरी सारी भाभियाँ, मामी और मेरी मम्मी, ये लोग खड़े हैं। तो अब बारी आ जाती है आरती करने की, तो चलो जी आरती कर लेते हैं। तो गाइस जब तक आरती चल रही है यहाँ पर, ये तीन बच्चों की बातें मैं सुन रही थी। ओ माय गॉड, इस रेड फ्रॉक वाली लड़की की एक्टिंग, इसकी बातें सुनते ना तो मज़ा ही आ जाता। तो बस जी, अब हो गया है, आरती हो चुकी है, ठीक है। एंड अभी सारी की सारी औरतें ना अपने बराबर के लोगों के साथ में गले मिलते हैं, और जो छोटी होंगे एज से वो आशीर्वाद लेते हैं। जैसे मेरी भाभी छोटी है तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रही है, अपने बराबर की औरतों का वो गले मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है, अब बारी आएगी हमारे फ़ोटो सेशन की। तो हम हर साल, आप प्लीज़ पीछे वाली पिछले साल वाली ब्लॉग को जाके चेक करिएगा, हम हर साल फ़ोटो वगैरह लेते हैं एंड उसमें भी सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर कुछ अलग भी देखने को मिला आपको, ठीक है। खड़े हो जाओ, फोटो ही क्लिक कर देती हूँ। चप्पल पहन रहे हैं लोग यार, दिन पर दिन आप जवान होती जा रही हो, क्या बात है, हैं? आप तो मैं अरे आपके जैसे हो रही हूँ। अच्छा, मैं बुढ़िया होती जा रही हूँ। नहीं, फोटो क्लिक करने आ जाओ ना चाची। चलो भाभी साथ में खड़े होना, थोड़े से बस, ज्यादा मत खड़े होना, थोड़े से ही होना, हो गया, ज्यादा मत। भाभी बड़ी मम्मी,
यस हो गए। और कोई रह गया है? एक रह गया हमारे वाले। हो गया है फोटो तो, मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ। कूद रहे, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया? अब हंसते जी, अब हंसते। गम्मी गम्मी लग रही है, गम्मी गम्मी लग रही है। तो गाइज यहाँ पे सभी औरतों का फोटो सेशन हो चुका है। यहाँ पर कुदरत बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही है बिकॉज ये बहुत ही कम टाइम मतलब बाहर निकली हुई है घर से एंड इसका मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर ऊपर से थोड़ी गर्मी भी हो रखी है और इतने सारे औरतों के कारण तो यहाँ पर उसको एंटरटेन किया जा रहा है। एंड बारी आती है अब दादी पोती की फ़ोटो सेशन के लिए, तो यहाँ पर शांत हो गई है मम्मा के गोद में आते ही, तो अब इनकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। एंड उसी के साथ में देख सकते हो गाइज यहाँ पे सारे के सारे लोग फ़ोटो फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं अपने, ठीक है। एंड उसी के साथ में मम्मा और उनकी भाभियाँ मतलब ननद और भाभियाँ दोनों फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मेरी मम्मी की भाभियाँ हैं एंड इनकी फ़ोटो सेशन होने के बाद में फिर हम चलेंगे घर की तरफ। सो गाइज देखते ही देखते सूरज दादा भी डूब चुके हैं एंड अंधेरा होने लग गया है, तो सभी अपने अपने घर को जा रहे हैं बिकॉज घर जाकर भी पूजा करना है। एंड ये जो फास्ट रखा है इन्होंने निर्जला व्रत, ये नेक्स्ट मॉर्निंग में जाकर खुलेगा। तो चलो जी घर चलते हैं। अब कब मिलेंगे जूतिया में? तो यहाँ पर भी एक छोटी सी फोटो सेशन रह गई थी और इस फोटो सेशन में, इस फोटो ग्रुप में तो मैं भी आपको देखने को मिलूंगी पर्पल सूट में। सो चलते हैं गाइज, अब तो फाइनली चलते हैं क्योंकि मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ चलते हैं चलते हैं। सो हम बैठ गए हैं यहाँ पे। सच्ची में आज कुदरत ने पूरे दिन में दूध नहीं पिया था क्योंकि भाभी ने फास्ट रखा हुआ था, तो आज कुदरत बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई है, ठीक है। उसी के साथ में हम इसके लिए इसके जो निप्पल्स वाले जो होते हैं ना खिलौने, उसमें हमने सेब छोटे छोटे पीसेस में सेब काट के रखा हुआ है, तो ये इसी को ही इंजॉय कर रही है। एंड देन गाइज फाइनली ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। देख सकते हो आप अंधेरा होने लग गए हैं, तो फटाफट से हमारे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। बाय गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।